और ये तीसरी बस है, ये उसकी तरह ही है जो पहली बस का जो मैंने वीडियो बताया था ना, सेम टू सेम वही है। और कुछ साइड में से कुछ ऐसी है, और इनका जो बीच में दे रखा है इनने चतुर्वेदी बस करके साइज इनका। ऐसे आप इंटर करते तो गेट पे मिल जाती है एक और बेजिंग श्री साई बस बॉडी बिल्डर्स की। ये है शंकर भगवान की मूर्ति, ये अधिकतर हर एक बस में दिए जाते हैं शंकर भगवान। हाँ, और ड्राइवर अपन आज फिर खड़े हैं श्री साई इंदौर। तो ये है श्री साई इंदौर बॉडी को, ये उनका पूरा है श्री साई बस बॉडी बिल्डर, ये मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी काम चल रहा है, तो ये ऐसे कुछ चेचेस आते हैं ऐसे कि ये पता नहीं का कौन सा है, तो वो देख के बताता हूँ मैं। हाँ, ये अशोक लेलैंड का चेचेस है ये भी, और ऐसे ही चेचेस पूरा आता है, मतलब पूरा ऐसे ही आता है। उस पर तो बॉडी रखी गई है, तो उसी पे ऐसी बॉडी पे ये बनता है। और ये बस का नाम, ये नॉन एसी बस है और ये जैसा रहता है MP13 पासिंग है, पर ये UP से हरियाणा चलेगी। यहाँ पर ड्राइवरों से अपन ने बातचीत करी थी अभी, तो उनने बताया कुछ इस प्रकार से दिखती है बस, थोड़ा सा कीचड़ को इग्नोर मारते हुए चलना है। ये पीछे से कुछ ऐसी है बस, इसमें स्लीपर चार्जिंग कैमरा वाईफाई और लगेज, ये कुछ ऐसी दिखाई है। और ये MP13 पासिंग, ये चतुर्वेदी बस सर्विस, बाकी आप सब ये पढ़ सकते हो। मोबाइल नंबर इनकी वेबसाइट पर लिखी हुई है, और ये बैक लाइट कुछ यूनिक कर रखी है, अच्छी लग रही है। और ये साइड में क्या थोड़ा सा चिचिस लग के हुआ है, साइड से यहाँ पे पूरा दिख दिया होगा आपको। कुछ ऐसी दिख रही है, अच्छी लग रही बस तो। कुछ साइड में से कुछ ऐसी है, और इनका जो बीच में दे रखा है इनने चतुर्वेदी बस करके साइज इनका, इतना इतना साल से काम कर रहे हैं बस का। ये भीमल की बेजिंग, ये यहाँ पे है ड्राइवर सीट, ड्राइवर गेट है का ये। चलो अपन अंदर से दिखाते हैं, यहाँ पे भी इनने कुछ दे रखा है, तो साइड ग्लास भी अच्छे बना रखे इनने। यहाँ पे भी चतुर्वेदी की बेजिंग दे रखी है, ऊपर ये मन करके है 2-1 स्लीपर कोच, और अंदर खाटू श्याम जी की दिख रही होगी, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। चलो अंदर से दिखाते हैं। इसे आप इंटर करते तो गेट पे मिल जाती है एक और बेजिंग श्री साई बस बॉडी बिल्डर्स की, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे दिए हैं शंकर भगवान की मूर्ति, ये अधिकतर हर एक बस में दिए जाते हैं शंकर भगवान। हाँ, और ड्राइवर उनके लिए पंखे की सुविधा। यहाँ पे थोड़ा सा काम भी चल रहा है, और ये है अशोक लेलैंड, यहाँ पे स्टेरिंग, ये इसका मीटर, यहाँ पे ड्राइवर के फ़ोन वोन चार्जिंग करने के लिए, और ड्राइवर के लिए पंखा भी है। ये ऊपर से पूरे बटन है जो लाइट हाइट को कवर करते हैं, और इसमें प्लेयर लगा रखा है। और यहाँ पे रखा है, यहाँ पे भी CCTV कैमरा, जो उसका TV दे रखा है कि पूरा दिख रहा है। जैसे कैमरा इधर लगा हुआ है, अंदर भी लगा है, और इधर बाहर भी लगा हुआ है, तो चारों कैमरे के दिख रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा कर रखा है, जैसे ये ड्राइवर के लिए जो स्लीपर रहता है वो सी बसों में ऐसा रहता है, इसमें ये बहुत यूनिक लग रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है। मेन चीज़ ये इसलिए अच्छा चल रहा है, इसमें 2 जने आराम से आ सकते हैं। बस इतना, रात को अगर सूर्या ना ड्राइवर तो भाई साहब गाने नहीं बजाना है ना, बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे इमरजेंसी किट भी दे रखी है, और ये छत रूफ है, ये भी ऊपर खुल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कांच,
और अभी कुछ चेकिंग भी चल रही है अभी तो, मतलब बनी बन चुकी गाड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे काम रहता है वो दिखा रहे हैं। तो ये बस के ड्राइवर हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी आप बता सकते हैं? यूपी से पानीपत अम्बाला। अच्छा, तो ये पंजाब साइड जाएगी बस, हरियाणा साइड। ओके, तो अपने इंदौर वालों के लिए तो काम की नहीं भैया, कहीं और पे सर यूपी यूपी से वालों के जयपुर लिए भी है। जा सकती है। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं कुछ भी इसका। हाँ, चलो, कटरा से जयपुर भी जा तो ये सकती मतलब बाहर की गाड़ियाँ भी बनने आती ना, ये सब साई बॉडी बिल्डर भले भैया बार बार से काम आ रही है इतने के, मतलब मैं 7 दुकानें यहाँ पे, मतलब 7 होएंगे वर्कशॉप, इतनी इतने अच्छे अच्छे सभी भी खड़े हुए हैं। तो वही चीज़ है, अधिकतर इंदौर के हंस ट्रेवल्स की हुई बसें तो बनती रहती हैं, मतलब अभी भी एक बाहर जो इनका जो मेन रोड पर वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो ये अंदर से अभी दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस बस को थोड़ा सा यूपी साइड में बताते कि वहाँ पे एसी सक्सेस ही नहीं है, मतलब जो ड्राइवर भैया उनसे बात चली तो उनने नॉन एसी चलती उनकी सबसे ज़्यादा बता रहे भैया, वहाँ पर नॉन एसी के ही काम है। तो इस बस में कुछ ऐसा कर रखा है, ये स्लीपर है, ये सिंगल स्लीपर है, ये डुअल स्लीपर है, और ये सीट दे रखी है। हालांकि साई जो है बॉडी बिल्डर ने काफ़ी चीज़ अच्छी तो बनाई, बैठ के भी देख लेते एक बार, कंफर्टेबल तो है यार, मतलब अच्छा है, और गेप भी है जैसे। हाँ, धचका आया तो भाई साहब बढ़िया है, और इसमें लाइटिंग आइटिंग भी दे रखी है, अभी तो काम चल रहा है लाइट का। ये बीमल यहाँ पे बेजिंग दे रखी है, स्पीकर दे रखे हैं, बढ़िया है। चलो अब आपको एक सिनेमेटिक शॉट भी दिखा देते हैं पूरी बस का। बस ये अपन एंड कर देते हैं यहाँ पे, और इनकी अभी और भी बस है, ये बस का नहीं है बस जो बना ही है ना, वो भी बस मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये इनकी दूसरी बस है, उसका कलर अलग था, इसका डार्क कलर दे रखा है। और ये साइड से देख लो, इस पर कुछ बस बाहर से डिजाइन अलग है और कलर अलग है, कुछ ऐसी बस है। ये भी नॉन एसी है, और ऊपर वही पार्सल रखने की जगह। ये बस भी लीलैंड पे बनी है, वही सब सेम है, भगवान जी भी सेम है, वही सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी की वैसी है, बस अंदर से जो कलर है वो अलग है, बाकी सेम टू सेम वही है। उधर बाला लगा अपना काम करने में, आपको जो रील हील देखने को मिलेगी वो इसके चैनल पे नहीं, मेरे चैनल पे मिलेगी, मतलब वीडियो शूट वही करता है मेरे। ये कुछ अंदर से ऐसी बना रखी है, इसको सेम टू सेम है, सिर्फ फर्क कलर का है, इसका कलर अलग है। और तो ये इनकी दूसरी बस है, यह इनकी दूसरी बस का यहाँ पे वीडियो अपन कर देते हैं ख़त्म, दूसरी वीडियो का, दूसरी बस का सॉरी। ये पीछे बैक कैमरा भी लगा है, उसमें भी लगा है, अब तीसरी बस पे चलते हैं। और ये तीसरी बस है, ये उसकी तरह ही है जो पहली बस का जो मैंने वीडियो बताया था ना, सेम टू सेम वही है। तो चलो, और चौथी बस पता नहीं कहाँ खड़ी है। Oh,
सच्ची में प्योर यूपी के यहीं लगाएंगे आज तक। गाड़ी यहाँ लग गई है, खतरनाक है यार। चलो अपना हो गया काम खत्म, मिलते आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए सभी को जय श्री राम।